नाजरीन आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूँ नौशाद अंसारी, आदाब। नाजरीन, जिस सफाई मुलाजमीन के पांव धोकर वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी उन्हें इज़्ज़त बख्शने का काम किए थे, उन्हीं सफाई मुलाजमीन के सुपरवाइज़र को जिन्हें लोग जमादार के तौर पर जानते हैं, मऊ कोतवाली के तहत भिटी चौकी इंचार्ज ने गुज़स्ता शाम शहर कोतवाली में सुपरवाइज़र का कॉलर पकड़कर पटक दिया, जिसकी वजह से सुपरवाइज़र के पैर में फ्रैक्चर हो गया। पुलिस की इस हरकत से ज़िला के अवाम में पुलिस के तई ज़बरदस्त बरहमी पाई जा रही है। सुपरवाइज़र इनाम खां का जब चौकी इंचार्ज शिवमूर्त तिवारी ने कॉलर पकड़ा तो सुपरवाइज़र इनाम खां बार बार ये कहते रहे कि वो नगर पालिका परिषद मऊ के सफाई मुलाजिम हैं, लेकिन दारोगा ने उसके बावजूद उनकी एक न सुनी और उन्हें पटक दिया, जिससे उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। खबरों के मुताबिक पूरा माजरा यह है कि गुज़स्ता रोज़ ब्रह्म स्थान के पास एक होटल में महिला सशक्ति प्रोग्राम बगैर परमिशन के चल रहा था और उस प्रोग्राम में गांव की ख्वातीन के साथ फ्रॉड किए जाने के मामले को लेकर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और पब्लिक के दरमियान जमकर मारपीट हुई थी। इस पूरे मामले में पुलिस कुछ लोगों को पकड़कर कोतवाली लाई थी, लेकिन SI शिवमूर्त तिवारी पर इल्ज़ाम है कि उसने बगैर तफ्तीश किए ही अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए उन्हें छोड़ दिया। लेकिन जब इस पूरे मामले की इतला मीडिया ने ज़िला के आला अफसरान को दी तो पुलिस कप्तान सुशील घुले चंद्रभान और DM अमित सिंह बंसल ने उन्हें हुक्म दिया कि उनको जैसे भी हो और जहां से भी हो गिरफ्तार करके लाओ, जिसके बाद कोतवाली पुलिस उन्हें पकड़कर लाई हुई थी। इसी दौरान सुपरवाइज़र इनाम खां कोतवाली में पहले से मौजूद थे, क्योंकि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की मऊ आमद के मद्देनज़र कोतवाली की साफ़ सफाई के लिए उन्हें बुलाया गया था और पहले भी उन्हें साफ़ सफाई के लिए बुलाया जाता रहा है और वो जाकर साफ़ सफाई करवा देते थे। इसी दौरान SI ने उनका कॉलर पकड़कर पटक दिया, जिसकी लाइव रिकॉर्डिंग चल रही थी, जो मीडिया के कैमरे में कैद हो गई। लेकिन SI को उसका ज़रा भी खौफ नहीं था। सुपरवाइज़र इनाम खान ने बताया कि बगैर किसी बात के SI शिवमूर्त तिवारी ने उनका कॉलर पकड़कर पटक दिया, जिससे उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। इस पूरे मामले की इतला जैसे ही SP को हुई, उन्होंने SI शिवमूर्त तिवारी को सस्पेंड करते हुए इस मामले की जांच CO City के सुपुर्द कर दी। इस पूरे मामले की इतला जैसे ही सफाई मुलाजमीन को हुई तो वो अपने सभी काम को बंद करके अपने सुपरवाइज़र इनाम खां की हिमायत में सड़क पर उतरकर मार्च निकाल दिया और पुलिस के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कसूरवार SI को मुअत्तल करने, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग करने लगे और कहा कि हम लोग उस वक्त तक काम नहीं शुरू करेंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो जाते। तभी उन्हें खबर दी गई कि पुलिस कप्तान ने SI को फौरी तौर से सस्पेंड कर दिया है और उसकी जांच CO City को सौंप दी है। फिर भी सफाई मुलाजमीन की नाराज़गी घंटों बरकरार रही और काफ़ी देर के बाद सफाई मुलाजमीन काम पर पहुंचे। नाजरीन, आप देख रहे हैं जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ है, आप समझ सकते हैं कि आला अफसरान, SP, कमिश्नर, IG, DIG तमाम लोग हमेशा ये कहते हैं कि पब्लिक से एक अच्छे अंदाज में, दोस्ती के अंदाज में उनसे बातचीत की जाए और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की जाए। पुलिस को बराबर तरबियत दी जाती है, लेकिन ये कौन से मिट्टी की बनी हुई उत्तर प्रदेश की पुलिस है कि कभी वो संभलने और सुधरने का नाम नहीं लेती और वो वही करती है जो उसके दिलो दिमाग में आता है। नाजरीन, आपको हमारी खबर कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं। पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो की खास रिपोर्ट। सर, कल एक जालसाज पकड़ा गया था, उस मामले में क्या हुआ, आपने कार्रवाई? इस पूरे मामले का जब संज्ञान हुआ था तो उसमें मैंने क्षेत्राधिकारी मऊ CO City को इसके पूरे मामले की जाँच दी थी
और इस संबंध में जो पुलिसकर्मी भी वहाँ गए थे उन्होंने पूर्ण से कार्रवाई नहीं की, उनके संबंध में भी जांच की। तो दोनों जांच आख्याएं सीओ सीपी ने दी है और इनको जो इनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा था उसको जालसाजी मानते हुए उनके खिलाफ कड़े धाराओं में कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। इसके अलावा जो पुलिसकर्मी है उनके ऊपर भी जो आरोप लगे थे उसमें से एक पुलिसकर्मी को क्षेत्राधिकारी मऊ के रिपोर्ट के आधार पर तत्काल रूप से निलंबित किया गया है और उनके खिलाफ भी आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। जो अभियुक्त है उनमें से कुछ लोग गिरफ्तार हैं, कुछ लोगों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास चल रहा है। कर्मचारी जो सेवा में जनता में लगे हैं उनको आप मारेंगे, पीटेंगे, प्रताड़ित करेंगे तो क्या होगा? हमारी मुख्यमंत्री से यही आग्रह है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें और उनके पे जांच बैठाए। इस सफाई कर्मचारी को कैसे उन्होंने मीडिया प्रभारी के सामने मार दिया, मीडिया प्रभारी के सामने। हमारे सफाई नायक जो दिन रात एक कर रहे हैं, आदित्यनाथ योगी जो मुख्यमंत्री जो है यहाँ पे आगमन है, दिन रात हम लोग एक कर दिए हैं सफाई व्यवस्था में, कहीं से दिक्कत ना हो। 10-10 बजे रात में 8-8 बजे हम लोग जा रहे हैं, सफाई कर्मचारी सुबह का 5 बजे से ड्यूटी है। लेकिन हमारे साथ अत्याचार होगा, हमारे सफाई नायकों के साथ अत्याचार होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से यही है रिक्वेस्ट है कि हमारा किसी तरह उस दरोगा जो भीटी चौकी प्रभारी का नाम है उनका शिवमूर्ति तिवारी, उनको तत्काल सस्पेंड किया जाए और उनके साथ कार्रवाई किया जाए और ये जांच हो कि ये, और उनका जो मुआवजा हो सरकार उनको दे मुआवजा। अभी अभी दक्षिण टोला थाना राम सिंह ने कहा कि शिवमूर्ति तिवारी सस्पेंड हो गया, क्या आप कहेंगे? हाँ, मैं यही नहीं विश्वास करेंगे। हमारे साथ जो हमारे जिले के कप्तान है वो हमको स्वयं कहे और लेटर दे कहे कि इनको सस्पेंड कर दिया जाए, हमारा हड़ताल खत्म हो जाएगा। कि हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, ये एकदम उत्पीड़न हो रहा है। वजह ये है कि हमारे सफाई नायक कृष्णा वो इनाम खान जो है, सफाई नायक जो इनाम खान है उनको डीसी पीरियड में ये दरोगा इंसान जो बीपी प्रभारी मूर्ति तिवारी उन्होंने प्रताड़ित करके मारा गया और मीडिया के सामने मारा गया, वो भी एकदम बेइज्जती के साथ, उनका पैर घाटी टूट गया है, वो सभी लोग देखे हैं। लेकिन हमारी मांग यही है कि जल्द से जल्द उनको सस्पेंड किया जाए, सस्पेंड के प्रूफ को दिखाया जाए, एसपी ऑफिस एसपी लोग हमसे बात करें और कहें डायरेक्ट कि हाँ हमने सस्पेंड किया, हमको पूरा कहा गया उनको सस्पेंड किया कर दिया। हम नहीं विश्वास करेंगे जब तक कि हमको प्रूफ नहीं मिलेगा कि सस्पेंड कर दिया। अगर सस्पेंड नहीं किया गया तो हम कल सफाई बंद कर देंगे। आप
आगमन उनका है उसी से सुबह 5 बजे से लेके हम लोग रात में 10-10 बजे तक काम कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे साथ जो हमारे सफाई कर्मचारी और सफाई नायक के साथ मीडिया प्रभारी के सामने इनको मारा गया, उनका पैर तोड़ दिया गया। ये दरोगा प्रभारी बीटी चौकी के इंचार्ज है, उन्होंने सबके मीडिया प्रभारी के सामने मारा गया। ये अत्याचार हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कार्रवाई हम यही चाहते हैं कि उनका तुरंत सस्पेंड किया जाए, ऊपर से पूरी आदेश जांच का आदेश आए तो उनको जल्द से जल्द सजा भी मिले कि आंधे से कर्मचारी सफाई व्यवस्था कर्मचारियों को ना कभी परेशान किया जाए और ना कोई प्रताड़ित किया जाए। अगर सफाई कर्मचारियों के साथ अगर कोई भी दुर्व्यवहार करता है तो हम लोग किसी प्रकार के बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि 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 कोई कार्रवाई नहीं होती है तो यदि 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 अगर अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, सस्पेंड नहीं होते हैं,
तो हम आगे का आंदोलन शुरू करेंगे और उत्तर प्रदेश में कहीं सफाई व्यवस्था नहीं रहेगी, ये हम लोग का आंदोलन है, ये इस पर हम लोग कह रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा नगर पालिका मऊ का नगर पालिका परिषद कर्मचारी इस समय रोड पर उतर गया है और लगातार प्रदर्शन कर रहा है। इनकी मांगे है कि एसपी जो भीटी चौकी इंचार्ज है शिवमूर्ति तिवारी, उनको सस्पेंड करे। अगर सस्पेंड नहीं होते हैं तो ये कह रहे हैं कि अपना काम रोक देंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन करेंगे। नेशनल अवार्ड याफ्ता अहसन अंसारी की मुरतब करद तमाम मुकाबला जाति इम्तिहान के लिए एक नायाब नुस्खा उर्दू कंपटीशन बुक और विश्व दर्पण में नारी अब महज 300 रुपये में। जल्दी करें, मोमिन अंसार सभा कौमी सदर अकरम अंसारी पेश कर रहे हैं। मिलने का पता अहसन अंसारी, डोमनपुरा, हिब्बा मऊ।